हम आपको बताने वाले कक्षा 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन का उत्तर है दोस्तों, देख लीजिए, एक का सी है, दो का बी है, तीन का दोस्तों, अब देखो तीन नंबर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। बोला है किस तत्व में दो कोश तथा दो इलेक्ट्रॉन पारित होते हैं। दो कोश मतलब दो कोश ये हो गए, और दो पारित होते हैं, पूर्ण रूप से भरित होते हैं, तो ये आपका है क्या, नियॉन होता है। नियॉन क्या, पूर्ण रूप से भरा होता है, जिसके बाहर में 8 होगा वो पूर्ण रूप से भरा होगा, और इसके दो कोश एक और दो हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 जो है वो क्या है, ये आपका मैग्नीशियम का है। किसका है, मैग्नीशियम का, Mg के 12 होता है। कुल 3 कोश और संयोजकता में 4 हो, 3 कोश मतलब 1 2 3, और संयोजकता कितना हो गया, 4 हो गया, 2 8 4, पहले में 2 दूसरी में 8 तीसरी में 4, एक कौन सा एलिमेंट हो गया, सिलिकॉन। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, सिलिकॉन वो तत्व होगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 4, क्योंकि कह रहा है क्या 3 कोष, तो 1 2 3 कोष हो गए और संयोजकता 4 हो गई, और कुल 2 कोष और संयोजकता में 3 कोष, तो कुल 2 कोष 1 2 हो गया, और कितने होने चाहिए 3, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितना हो गया 3 हो गया, ये कौन होगा 3 2 5, यानी कि क्या होगा, बुरान B5। दूसरे कक्ष में पहले कक्ष से ध्वनि का, तो दूसरे कक्ष में पहले कक्ष के ध्वनिया दुगुना है, तो देखो ये 4 है और 2 है, तो दुगुना कितना होगा 4, दुगुना है 4, दो कितना 6, कार्बन का है। अब देखो 4 नंबर, आवर्त सारणी में बुरान के स्तंभ के सभी तत्वों को गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। करें आवर्त सारणी में बुरान के स्तंभ को सभी तत्व गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि वो बुरान क्या होता है कि बुरान के बाहर में क्या आएगा, 3 आएगा, बुरान B5, तो बाहर में क्या आता है 3 आता है, तो ये क्या होगा, वर्ग नंबर आपके 3 के तत्व होंगे, तो वर्ग नंबर 3 के सभी तत्वों का जो है परमाणु संख्या क्या होगा, परमाणु गुण उनके क्या होंगे, समान होंगे। अभी नंबर आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ में सभी तत्व गुण कौन समान होते हैं, तो उनका है क्या कि परमाणु संख्या जो आपका है क्या, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, सारे का क्या होगा, बढ़ेगा, सारे क्या होंगे आपको, अधातु होंगे, क्या होंगे, अधातु होंगे, और ये वर्ग नंबर 17 के तत्व होंगे। किस वर्ग के 17 तत्व होंगे, वर्ग नंबर 17 के तत्व होंगे। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है, ठीक है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या आते हैं 287 17 होगी, जाहिर सी बात है 287 17 हो गया, ये कौन सा तत्व, क्लोरीन होगा। निम्न में से किस तत्व की रासायनिक समानता होगी, मतलब एक जैसा कौन होगा, तो भाई साहब इस तत्व की बात कर रहे हैं 287, एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है किसका होगा, नाइट्रोजन के जैसा होगा, क्यों, क्योंकि वर्ग नंबर 17 का है, वर्ग नंबर क्या है 17 का है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, देखिए विद्युत नाटकता कम होती है, विद्युत नाटकता होता है कम होती है, यानी सबसे ज़्यादा ऊपर वाला का होगा। अब देखो दोस्तों ये आपका एक लॉजिकली सवाल है जिसको आपको समझना पड़ेगा, और समझते हुए प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन आसान है, हार्ड भी नहीं कहा जाएगा इस प्रश्न को। तो देखो पहला इसमें दिया गया है, यहाँ पे समूह 16 17 दिए गए हैं, और अब बताइए कि ये क्या है, धातु है का धातु, तो सबसे पहले 17 के बाद है, तो दोस्तों ये क्या है, अधातु है, ठीक है, ये क्या है, धातु है, क्योंकि वर्ग क्या है 17 है, तो वर्ग 17 में क्या आता है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, ये सब क्या होता है, अधातु होते हैं, ठीक है ना, और इसके आवर्त सारणी के दाएं साइड भी क्या होता है, अधातु पाए जाते हैं। दूसरी बात, ए सी की अपेक्षा क्या होगा दोस्तों, तो ये कम क्रियाशील होगा, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आना पर क्रियाशीलता घटती है, ऊपर से नीचे आने का क्रियाशीलता क्या होगा, घटेगा, तो कम क्रियाशील, एज की अपेक्षा सी क्या है, तो कम क्रियाशील, अधिग्रहण क्या है दोस्तों, कम क्रियाशील है, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा, और 17 में सी का साइज बी से बड़ा है होगा या छोटा, दोस्तों छोटा होगा, जाहिर सी बात है बी से क्या होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो, या आप ये बोल सकते हैं लेफ्ट से राइट जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परमाणु और फास्फोरस, अब यहाँ पे है तत्व एक किस प्रकार का आयन, या तो इसमें ऋणायन होगा, क्यों ये ऋणायन होगा, क्योंकि वर्ग 17 का तत्व है, क्योंकि वर्ग 17 का तत्व है, वर्ग 17 पर क्या होगा, सारे माइनस अधातु है, अधातु पर क्या होती है, माइनस होती है, ये ऋणायन होते हैं। फिर नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फास्फोरस की 15, तो ये वर्ग नंबर 15 का तत्व है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद क्या लिखेंगे, कि सबसे अधिक जो है इसमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो है नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि उसका आकार छोटा होता है। अब इसके बाद नोट समझ लीजिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार तो बढ़ेगा, परमाणु संख्या बढ़ेगी, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता जो है घटेगा। जैसे कि आपका वर्ग 15 की बात करें तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी,
तो आपका नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मथ जो है ऊपर से आ रहे हैं, तो जितना तक क्या घटेगा, मतलब सबसे ज़्यादा किसका होगा नाइट्रोजन का होगा, उससे कम किसका होगा फास्फोरस का होगा। इस बार वर्ष 17 की बात करें तो वर्ष 17 में क्या होगा, क्लोरीन आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन किसका ज़्यादा होगा, तो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, फ्लोरीन क्या है ऊपर है, इसकी विद्युतनात्मकता सबसे ज़्यादा होगी। यही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे विद्युतनात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है, कौन है फ्लोरीन। अभी 8 नंबर का उत्तर आपके पास रहा, ये आप इसका ले लीजिए दोस्तों, संबंध स्थापित करना था। ये 9 नंबर का उत्तर था, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये 10 नंबर का उत्तर, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए।